भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने जिले में एक बार फिर एक और मंत्री की सौगात दी है। राज्य मंत्री बनने के बाद महिपाल ढांडा अपने आवास पर पहुंचे। इस दौरान ढांडा के समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। ढांडा के विधान क्षेत्र पानीपत ग्रामीण के अलावा भी जिले भर से सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान महिपाल ढांडा ने कहा कि इस पद पर की जिम्मेदारी मिलने पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम नायब सिंह सैनी वे पार्टी संगठन का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी आभार प्रकट करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ काम करने के लिए चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो नीतियां बनाई हैं उनसे इन चुनौतियों को पार कर लिया जाएगा। वहीं अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतेंगी और विधानसभा भी भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। इस दौरान महिपाल ढांडा की धर्मपत्नी नीलम ने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि वे पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। आज उन लोगों का सपना पूरा हुआ है जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा था। इस दौरान अपनी खुशी का इजहार करते हुए उनकी माता ने कहा कि ये महिपाल की मेहनत का ही फल है। उनकी भाभी कुसुम ने भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जहां महिपाल समय की कमी के चलते जनता को समय नहीं दे पाते थे, वहां पर उनके भाई मिलकर काम करते थे। साधारण कार्यकर्ता पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे। चलो भाई, क्या मानते हो इसके पीछे आपके मेहनत और कार्यकर्ताओं क्या क्या कहना चाहते? मेरा कुछ नहीं, ये मैं मेरे के चक्कर में मैं कभी रहता ही नहीं। मैं तो एक गीत भी है ना, सर्व समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते रहे, तो सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई उम्मीद थी सर कल सुबह जैसे आप उठे, कुछ ऐसा लगा था कि विस्तार होगा? नहीं, मैं कभी इस चक्कर में पड़ा ही नहीं जी, ना मैंने कभी सोचा। कभी आप लोग इतने वर्षों से मुझे जानते हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं संतरी बनूंगा, या मैंने कोई पद की या सत्ता के उसके लोलुपना कभी दिखाया हो। कभी इस तरह के चक्कर में पड़ता नहीं। जब मैं जिले का उपाध्यक्ष बना तब भी मुझे पता नहीं था, जब मैं जिले का महामंत्री बना भाजपा में तब भी मैंने नहीं मांगा, ना मुझे पता था। जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना युवा मोर्चा का, तब भी मुझे फोन नहीं आया था। जब मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना तब भी मुझे फोन आया था, और जब मुझे टिकट मिली तब बस डिक्लेयर ही हुई थी, फोन तो नहीं आया। मगर कल जो ये मुझे मंत्री पद की शपथ देने के लिए कहा गया तो मुझे फोन आया। सर बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर, क्या लगता है कि अब ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है आपकी? पूरे हरियाणा प्रदेश में सबके लिए, सब वर्गों के लिए योजना बनाना, बना के उसको इम्प्लीमेंट करना, वाकई में एक चैलेंजिंग काम तो है। मगर हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह की नीतियां बनाई है, और आदरणीय नायब सैनी जी जिस तरह से उन नीतियां का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग इन चुनौतियों के पार चले जाएंगे। विधानसभाओं में पहले जनता के काम करते रहे थे, कोई भी व्यक्ति आ जाए उसके काम आप करते, अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा सर मंत्री बनने के बाद? बिना मंत्री के भी मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग मिलते रहे। दो बार मैं क्योंकि स्टेट लेवल की बड़ी जिम्मेवारियों पे रहा हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग मुझे वैसे मिलते हैं। और जब मैं यहाँ से चंडीगढ़ में जाता हूँ, चंडीगढ़ में आप लोगों को भी बहुत साथियों को पता है कि मैं एक मिनट भी मुझे फुर्सत नहीं होती। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, जो उनका काम होता है उनका करते हैं। काम से जी चुराना काम चोर है, यहाँ तो काम ही मेरे लिए मेरी ताकत है। सबसे खुशी की बात है और सभी के लिए खुशी की बात है, जैसे हमारे लोग जब हमें चुन के भेजते हैं तो आज उन सभी लोगों का सपना पूरा हुआ है जिन्होंने वोट किया था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज
इस खुशी के अवसर पर कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, मैसेज ये है, आप सब लोगों को बहुत बधाई, और हम यही उम्मीद करते हैं अपने मंत्री जी से कि सारी जो उनको जिम्मेवारियां मिले अपनी ईमानदारी से वहन करें। उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा जो सूखा था वो अब खत्म हो गया, काफ़ी देर से दिनों से वो इंतज़ार कर रहे थे, उनके नेता को आज जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये इन सब लोगों का बड़प्पन है जो इतना प्यार और विश्वास इन पर दिखाते हैं, तो हम लोग आभारी हैं इन सब समर्थकों के और अपने कार्यकर्ताओं के और अपने लोगों के जिन्होंने मानते हैं कि अब एक विधानसभा की नहीं, अब पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी उनके। बिल्कुल, देखो हरियाणा की जिम्मेवारी पहले भी थी, ये कोई आज से नहीं है, जब से बीजेपी में हैं या अपने जब से पार्टी से जुड़े हैं तभी से अपना पूरा ईमानदारी से काम करते आए, और हम यही उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही इनका नाम चमकता रहे जैसे पहले चमकता है। पब्लिक को ज़्यादा समय देते हैं, घर पे कम समय दे पाते हो, कहीं नाराजगी भी रहती है विधायक? बिल्कुल भी नहीं।